गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आज मैं ये लुक क्रिएट करने जा रही हूं। सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूं, ये लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। मैं इसे अपने फेस पर अपने फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। प्राइमर हमेशा यूज़ करना चाहिए हमें मेकअप से पहले, क्योंकि ये फेस पे पोर्स को ब्लर कर देता है और काफ़ी अच्छा लुक देता है, स्मूथ फिनिश आ जाती है। देन मैं इसके बाद कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। ये एले गल का कंसीलर है और इसे मैंने अपने अंडर आईज एरिया में, फोरहेड पे, चिन पे एंड जहाँ मुझे रेडनेस थी वहाँ वहाँ मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। देन मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। यदि आपको डार्क सर्कल्स हैं तो आप इसकी जगह ऑरेंज करेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। आपको सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इन्हें चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे ब्लेंड कर लिया। देन मैं इसके बाद अपनी आईब्रो फिल करने के लिए एक आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये मिस क्लियर का है। और फर्स्ट मैंने अपनी आईब्रोज़ को कॉम किया है, देन मैं इसे फिल कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट आप कॉम कर लें देन आप अपनी आईब्रोज़ को फिल करें। और आप हमेशा देखेंगे कि आपके फेस पे यदि आप कुछ भी मेकअप ना करें बट सिर्फ आईब्रो भी फिल करते हैं तो भी बहुत अच्छा सा लुक आ जाता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप हमेशा आपके आईब्रोज़ ज़रूर फिल करें। और अपने आईब्रोज़ के हेयर कलर के अकॉर्डिंग आप कलर चूज़ कर सकते हैं, लाइक ब्राउन एंड ब्लैक। मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया है और मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है इनको। और उसके बाद मैं फिर से कॉम कर रही हूँ। कॉम करने से जो भी एक्स्ट्रा होता है वो प्रोडक्ट वो निकल जाता है, सो क्लीन लुक आ जाता है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं कंप्लीट किया है। देन मैं इसको क्लीन करने के लिए कंसीलर अप्लाई किया है मैंने इसके आउटर कॉर्नर में। आईब्रो कंप्लीट करने के बाद आप एक आउटलाइन, एज अ आउटलाइन जब आप कंसीलर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग आ जाती है आपके आईब्रोज़ में और बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाता है आपके फेस पे। आप देख सकते हैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। आप चाहें तो इसके लिए फ्लैट ब्रश की भी हेल्प ले सकते हैं, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ही कर लिया है। देन मैं इसके बाद यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक, ये मेबलिन का कॉम्पैक है। और मैं अपना इसे मेकअप सेट करने के लिए, जो मैंने अभी कंसीलर अप्लाई किया है उसे सेट करने के लिए इसे यूज़ कर रही हूँ। देन मैं आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी अपने आईज़ मेकअप के लिए, आई मेकअप के लिए। इसके लिए मैंने फर्स्ट, आप देख सकते हैं मैंने ब्राउन कलर चूज़ किया है और इस तरीके से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपनी क्रीज लाइन पर ब्लेंड कर रही हूँ एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से। आपको हमेशा ब्लेंडिंग ज़रूर करनी है जब भी आप आई शेडो यूज़ करते हैं, जब भी आप आई मेकअप करते हैं तो आपको ब्लेंडिंग का स्पेशली ध्यान रखना है। देन मैं गोल्डन शेड ले रही हूँ और मैंने अपने से आईलेट पे इस तरह से लगा लिया है। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने इसे अप्लाई किया है और ब्रश की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रहा हूँ। सेम मैंने अपनी दूसरी आईज़ पे भी अप्लाई कर लिया है इस तरीके से और मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी ब्रश की हेल्प से, लेफ्ट राइट मूव करके। देन मैं रेड कलर चूज़ कर रही हूँ अपने आई शेडो पैलेट से और इसे मैंने अपने सेंटर आईलेट पे अप्लाई किया है। इसे हम फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं, मैंने इसे ब्रश की हेल्प से किया है। ये फिंगर से भी अप्लाई बहुत अच्छे से हो जाता है।
देन मैं रेड कलर फिर से ले रही हूँ और मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे इसे अप्लाई किया है। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक स्मॉल ब्रश है उसकी हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। जब भी आप मेकअप करें तो आई शेडो जो भी आप कलर चूज़ करते हैं उसको लोअर लैश लाइन पे ज़रूर लगाएं, बिकॉज इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है और आई मेकअप कंप्लीट लगता है। देन मैं लॉरियल का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये जेल आईलाइनर है और लिक्विड फॉर्म में है एंड ये ग्लॉसी फिनिश देता है। इससे मैं विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपना हेयर बन कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही मैसी सा बन है और बहुत ही ईजी है इसे बनाना। यदि आप जानना चाहते हैं कि इसे मैंने किस तरीके से बनाया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से मैंने अपना लाइनर कंप्लीट कर लिया है। अपनी दूसरी आई पे भी देन मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। मेरा ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन है जो कि लॉरियल का है और इसे मैंने इस तरीके से अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया है। ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है, कवरेज बहुत अच्छा देता है और स्पेशली नाइट मेकअप के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता है, केकी नहीं होता है, बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन है। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट है ये फाउंडेशन। और हमेशा जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करें अपने नेक पे लगाना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आपका फेस का नेक का कलर बहुत डिफरेंट लगता है। देन मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी अपने आईज़ पे और ये मैंने मस्कारा भी अप्लाई कर लिया है। ये मेबलिन का मस्कारा है, बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा। मेबलिन के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अफोर्डेबल भी हैं। देन मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, ये मिस क्लेयर का ब्लश है और ये पीछे पिंक शेड में है। इसे मैंने इस तरीके से एक ब्रश की हेल्प से अपने चिक्स पे अप्लाई कर लिया है। देन मैं इसके बाद हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, इसे मैंने अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं इसका ग्लो कितना अच्छा है। हाइलाइटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ये नाइट में बहुत ही प्यारा लुक आ जाता है जब भी आप हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। फोटोज़ वगैरह में भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। मैंने इसे फोरहेड पे, अपनी चिन पे और नोज़ पे भी अप्लाई किया है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लियर का ये लिक्विड इल्यूमिनेटर है, ये बहुत ही अच्छा है। ये मैंने कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ किया है। आप इसे फाउंडेशन में मिक्स करके भी अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ये ब्राउन शेड में है इसलिए मैंने इसे अपने कॉन्टोरिंग में यूज़ किया है। नोज़ पे भी मैंने इसे कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ किया है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह फिंगर की हेल्प से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो ब्रश की भी हेल्प ले सकते हैं, ब्रश की हेल्प से ऐसे कॉन्टोर अपने नोज़ एंड चिक्स कर सकते हैं। फोरहेड भी आप कॉन्टोर कर सकते हैं यदि आपका फोरहेड बहुत बड़ा है तो। देन मैंने अपनी नोज़ पे हाइलाइटर अप्लाई किया है। इसके बाद मैं अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ और मैंने अपने आईज़ में इनर कॉर्नर में भी हाइलाइटर एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया है। इसके बाद मैं इन कलर मैटमी का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये मैरून शेड है, बहुत ही प्यारा शेड है और इन लिपस्टिक में कुछ शेड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रेड मैरून सभी का फेवरेट होता है और पार्टीज़ के लिए बहुत अच्छा है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगता है और ये मैट है, मैट फिनिश देता है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। देन मैं सिंदूर अप्लाई करूँगी। यदि आप मैरिड हैं तो सिंदूर बहुत ही ज़रूरी होता है और सभी को अच्छा लगता है इसे लगाना। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के लुक में मिडिल पार्टीशन करके इस तरह से
अप्लाई कर सकते हैं। देन मैं बिंदी अप्लाई करूँगी और मैंने रेड प्लेन बिंदी चूज़ की है। आप चाहें तो इसकी जगह कलरफुल बिंदी भी यूज़ कर सकते हैं या स्टोन बिंदी भी अप्लाई कर सकते हैं। मुझे स्पेशली प्लेन बिंदी बहुत पसंद है। दिस इज़ द फाइनल लुक। अगर आपको ये लुक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।